पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद बिजनौर एमएलसी चुनाव में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट सत्यपाल सिंह सैनी ने सपा प्रत्याशी अजय मलिक को बुरी तरह शिकस्त दे दी है। भाजपा प्रत्याशी सत्यपाल सैनी 5,940 वोटों के भारी अंतर से ये चुनाव जीत गए। इस सीट पर मुरादाबाद संबल अमरोहा और बिजनौर में 35 मतदान केंद्रों पर वोट पड़े थे। 8,083 वोटरों में से कुल 7,860 वोटरों ने वोटिंग की थी। मंगलवार को सुबह करीब 11 बजे मतगणना का काम पूरा हो गया। एमएलसी के लिए मतगणना का काम सुबह ठीक 8 बजे शुरू हो चुका था। इससे पहले सुबह 7 बजे मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम का ताला खोला गया। मुरादाबाद में मंडी समिति परिसर में मतगणना स्थल बनाया गया। चारों जिलों के कुल 35 मतदान केंद्रों के बैलेट बॉक्स खोलकर यहां मतगणना का काम शुरू हो गया। की तैयारियां थी जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई थी आपकी? आप सबके सहयोग मुरादाबाद बिजनौर भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद बिजनौर सीट के सम्मानित सभी जनप्रतिनिधि, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, जिला पंचायत सदस्य हो, ब्लॉक हो, नगर पालिका के चेयरमैन हो, सांसद हो, विधायक हो, सबका समर्थन, सबका आशीर्वाद इस जीत में शामिल है। हमारी संगठन के समस्त कार्यकर्ताओं ने ताकत झोंकी है, उसके आधार पर ये प्रचंड जीत मिली है। मुझे लगता है कि ये चुनाव जाति बिरादरी धर्म दल इससे भी ऊपर उठकर ये चुनाव हुआ है। अभूतपूर्व सभी जाति वर्गों का धर्मों का समर्थन मेरे को मिला है, वोट के रूप में आशीर्वाद मिला है। निश्चित रूप से ये बड़ी जीत है और ये विश्वास भी हमारे अंदर उन्होंने व्यक्त किया है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उन्होंने व्यक्त किया है। चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी की कल्याणकारी योजना हो, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की कल्याणकारी योजना हो, वह सब पारदर्शी तरीके से सबके कल्याण के लिए, सबके उत्थान के लिए योजना है। उनका भी पर्सनल बेनिफिट से लेके लाभ हुआ है, तो उन सबकी सराहना करते हुए और जो विकास की गंगा उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी जी ने बहाई है, जो देश में एक समृद्ध और शक्तिशाली देश के रूप में भारत उभर रहा है, उन सबको देखते हुए इस देश की जनता का सबका सीना चौड़ा होता है, सबका सर ऊंचा होता है। तो निश्चित रूप से जैसा विकास, जैसा सम्मान देश का बड़ा है, प्रदेश की जनता का बड़ा है, उसी के आधार पर इस क्षेत्र के लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी मेरे पक्ष में विश्वास व्यक्त किया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में हम और बेहतर ढंग से विकास का काम हो, सम्मान का काम हो, चाहे कल्याणकारी योजना हो, वो प्रत्येक वर्ग के नीचे तक ले जाने का काम करेंगे, अच्छे ढंग से काम करेंगे। आपके माध्यम से मैं इस क्षेत्र के समस्त जनप्रतिनिधियों को, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मेरे प्रति विश्वास व्यक्त किया और एक प्रचंड जीत ये भाजपा की भी है। निश्चित रूप से मैं उनका आपके माध्यम से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।